Good morning, children. Okay. Now, today we want to study which lesson? You know very well. Part the Shakuntala. Shakuntala के बारे में आपको आप सुना होगा. Okay. इस कविता ये है कि कविता है. इस कविता किसने लिखा है? देखिए मैथिली शरणगुप्त. मैथिली शरणगुप्त हिंदी के एक प्रमुख कवियों से एक है. उसे राष्ट्रकवि भी माना गया है. उसकी कविताओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण दिया गया है और भारत पर कई कविताएं लिखी गई है. ओके हिंदी के प्रमुख कवि है. ओके टुडे हमको पढ़ना है शकुंतला. शकुंतला इस कविता से हमें मालूम होती है कि प्रकृति है सुंदर चित्रण दिया गया है इस कविता में. और उस कविता में हमारे शकुंतला का सादगी जीवन का चित्रण भी दिया गया है. कैसे वह व्यवहार करते थे, कैसे उस तपोवन में कैसे जीते थे वे, इसका रूपरेखा हमें मिलते हैं. ओके आगे देखिए. पुण्य तपोवन की रज में वह खेल खेल कर खड़ी हुई आश्रम के नव लतिकाओं के साथ साथ कुछ बड़ी हुई. क्या है पुण्य तपोवन की रज में वह खेल खेल कर खड़ी हुई आश्रम की नव लतिका होंगे साथ 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 कुछ बड़ी हुई. वह हमारे शकुंतला कैसे बड़ी हुई है देखिए. पुण्य तपोवन हेरमिटेज कॉटेज ऑफ सेंट अले सेंट महर्षि मारुडे आ पुण्य तपोवन तिल अवल कलिच्चु कुंड खेल खेल कर खड़ी हुई आश्रम की नव लतिकाओं के साथ. आश्रम के नए नए लतिका, लतिका मीन्स क्रीपर्स. क्रीपर्स कैसे बड़े होते हैं उस तरह वह भी संतोष से उधर इधर जाकर बड़ी हुई. रखती थी प्रेमाग्र सभी को वह अपने व्यवहारों से. पशु पक्षी भी सुख पाते थे उसके शुद्ध आचरणों से. कैसे है वह कैसे जीते हैं सबसे प्रेमाग्र सबसे प्रेम से व्यवहार करते थे. हमें मालूम है जंगल में होते हैं पुण्य तपोवन. जंगल में होते हैं वहां जानवरों का जानवर जीते हैं. उस जानवरों से पेड़ पौधों से सबसे वह प्रेम से व्यवहार करते थे. और पशु पक्षी भी सुख पाते थे उस वह जाकर पशु और पक्षियों को भी देखते थे. उनको आहार देते थे, उनको पानी देते थे उसके शुद्ध आचरण से. वह भी पेड़ पौधे पशु पक्षी सब उनकी व्यवहारों से बहुत सुख पाते थे. वह बहुत हैप्पी होते थे, सुख पाते थे. आगे देखिए. कभी खड़ों में भर भर कर पौधों को जल देती थी. कभी कभी वह खंडों पर खंडे में सवर्स अले मणिकूर गलोलों ओ वे क्या करती थी पेड़ पौधों को पानी देती थी. पेड़ पौधों को पानी देती थी मणिकूर गलोलों മരങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും ഒക്കെ അവൾ വെള്ളം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. കഭി ഖഗോംഗെ കഭി മൃഗോംഗെ ബച്ചോംഗെ സുധ ലേതീ തീ. കഭി കഭി ക്യാ കർതീ തീ വേ ഖഗോം മേ ബേർഡ്സ് ബേർഡ്സിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്തും. കഭി കഭി മൃഗോംഗെ മൃഗ് മീൻസ് ഡീർ ഡീർ മാനുകളുടെ അടുത്ത് നിന്നും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയും നോക്കിയും പരിചരിച്ചു പോന്നു. പ്രേമാഗ്രസേ വഹ് വ്യവഹാർ കർത്തീ തീ. കഭി കഭി വഹ് ക്യാ കർത്തീ തീ ഉസ് പുണ്യ തപോവൻ മേ ദേഖിയേ. കഭി തോത്തോ കോ തോത്തേ കഭി പഠാതീ തീ വഹ്.
तोते को कभी कभी वह पढ़ाती थी, ऐसे बोलो ऐसे करो, ऐसे बोलो ऐसे ऐसे पढ़ाती थी। और कभी मयूर नचाती थी, मयूर को वे क्या करती थी, मयूर को नाचना सिखाती थी। कैसे नाचना है देखकर पढ़ो, ऐसे मयूर को नाचना पढ़ाती थी, तोते को पढ़ाती थी और मयूर को नचाती थी वह। सहचरियों के साथ चाह में क्रीड़ा कभी मचाती थी। सहचरी कौन कौन है, सहचरी उस पुण्यतवन में क्यों कौन कौन है सहचरी, पेड़ पौधे पशु पक्षी मृग ऐसे उनको साथ वह क्रीड़ा मीन्स गेम्स खेल रही थी। ऐसे वह प्रेम पूर्ण सबसे रहती थी। इससे हमें मालूम होता है कि प्रकृति के पशु पक्षी भी हमारे साथ जीना चाहते हैं, हमारे साथ खेलना चाहते थे। हम उनको बंद नहीं करना चाहिए, उनको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन वह भी हमारे साथ जीना चाहते हैं। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू? दिस इज अ स्मॉल पोम, यू कैन स्टडी इजीली। ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज।